खुनवाना सगाल खुन सेवा जोहर। तो चलिए सगाजन, आज जान लेते हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ नया सीख लेते हैं आज। ये लेख है नारायण मरकाम दादाजी का, जो उत्तर बस्तर कांकेर से हैं, कोया भूमकाल क्रांति सेना। 5वीं अनुसूची व सावधान प्रवेश निषेध की मूल भावना या आधार को जानना है तो गाता जोहरनी, भूमका ठाकुर जोहरनी, पूर्णांग तिंदाना पंडुम के दूसरे दिन पखवाड़े भर को जांचो परखो फिर मानो। टिप, खूंटी झारखंड व साल्हेबाट कुलगांव छत्तीसगढ़ के गांवों में दंगा फसाद करने जाने वाले प्रशासनिक अधिकारी जरूर पढ़े। हजारों साल पहले गांव की सर्वप्रथम स्थापना व प्रकृति सम्मत ढंग से वेल डिजाइन अर्थात रचना करने वाले व वा गोंडवाना के सात महान आधार गंड गोंड गोंडवाना गोटुल गुड़ी गाता और गोंडी में से एक गाता जिसको भूमियार उसे भूमिहार भी बोलते हैं, भूमिहार को सम्मान देने तथा 18 महान लिंगों में से एक मौसम विज्ञानी, 12 वाद्य यंत्रों के खोजकर्ता संगीतज्ञ भीमा लिंगों के अध्ययन को सतत हस्तांतरित करने के लिए पूर्णांग तिंदाना पंडुम के दूसरे दिन गाता जोहरनी आयोजित की जाती है। गाता यानि जिनके बिना परमिशन से दीकू माना तो क्या, दीकुओं की गलत आत्माएं अर्थात अवांछनीय देवी देवताओं का भी प्रवेश वर्जित रहता है। इसके लिए गांव के दसों दिशाओं में 10 अलग अलग रावण पेनों की रक्षकों के रूप में स्थापना की गई होती है। दीकू ग्रंथों में इन्हीं शक्तिशाली वेन रूपों को राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि चोरी के इरादे से घुसने वाले दीकुओं को इनसे दहशत हुआ करती थी। इन्हीं नार अर्थात गांव गायता के डीएनए धारी वंशजों को वर्तमान में भी यही जिम्मेदारी निर्वहन करनी होती है। इन्हीं गायताओं के द्वारा तलूर मुत्ते कंड्रेगाल जिम्मेदारीन भैंसासुर भीमाल पेन रावेन केनांग आदि पेन शक्तियों की सेवा की जाती है। ग्राम सीमाओं में से किसी भी तरह के बाहरी व्यक्ति जीव जंतुओं अवांछनीय हलचलों गलत देवी शक्तियों के हल्की हलचल भी पेन ऊर्जा तरंगों के द्वारा गायता के ज्ञान इंद्रिय संरचनाओं तक पहुंच जाती है। फिर गायता पेन परीक्षण कर गांव के पारंपरिक ग्राम सभा नार भूमकाल को तुरंत सूचित कर देता है। अर्थात गायता वह है जो हमारे सुरक्षा के लिए साल भर दिन रात 365 अर्थात 24 घंटे सेवा में लगे रहता है। बिना किसी आर्थिक लाभ के निस्वार्थ सेवा करने वाले महान गायता को वर्ष में आज के दिन सम्मान देने सभी गांववासी सेवा जोहरनी करने गायता के घर में आते हैं और गांव के विकास व रक्षा में योगदान देने वाले अपने महान पूर्वजों को सेवा तर्पण करते हैं। उन्हें याद करते हुए ससम्मान रेला पाटा गीत गाते हैं, हुलकी पर राग नित गाते करते हैं। भीमा लिंगों के अध्ययन के अनुसार इस साल मौसम का विश्लेषण व अगले साल के मौसम के मिजाज का अनुमान लगाया जाता है। युवा पीढ़ी में इस ज्ञान का हस्ताक्षरण किया जाता है। प्राकृतिक संकेतों के आधार पर अगले वर्ष के मौसम की भविष्यवाणी भी की जाती है। आज हम युवाओं को यह अच्छे से समझना होगा कि इन महान परंपराओं के मजबूती से ही हमारे संविधान निर्माताओं को 5वीं अनुसूची की व्यवस्था करने को मजबूर होना पड़ा था। आदिवासी समुदायों को दिया गया है संवैधानिक अधिकार, किसी का दिया हुआ भीख नहीं। आदिवासी समुदाय को दिया गया संवैधानिक अधिकार किसी का दिया हुआ भीख नहीं, वरन यह हमारे पुरखों का हजारों सालों से सतत जांची परखी रूढ़िगत विश्वासों को बनाए रखने का नतीजा है। अगर यही ध्वस्त होगा तो हमारा संवैधानिक अधिकार भी क्रमशः शिथिल होते जाएगा। दूसरी तरह से विश्लेषण करें तो यह वही मानव महान गायता सिस्टम है जिसके बदौलत हमारे गांव में न दहेज प्रथा है, न भ्रूण हत्या है, न राम रहीम आसाराम जैसे बलात्कारी हैं, न वेश्यालय है, न छुआछूत है, न चोरी है, न डकैती है आदि आदि।
अतः आप सभी गण गोन गोनवाना टुलगुड़ी गायता गोंडी के संरक्षकों व लिंगो भीमा रावेन भैसासुर बिरसा मुंडा गुंडाधुर के डीएनए धारी वंशजों को पुनांग तिंदाना पंडुम व गायता जोहारनी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सेवा जोहार। हर गांव के गायता का नारा है मावा नारते मावा भूमकाल, मेरे गांव में मेरी पारंपरिक ग्राम सभा फिर से लाना है। क्रमशः अगले अंक में जारी केवीकेएस कोया पुणे विंग के लया लोयरों के अध्ययनों पर आधारित नयन मार काम शोधार्थी केवीकेएस बूम गोटुल यूनिवर्सिटी बेरमा मार। साधार सेवा जोहार।